वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग पहली बार खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 22 और हमारी मैच लगी है वेस्ट इंडीज के साथ। तो जल्दी से इस मैच को शुरू करते हैं और लेट्स गो गाइस। हम लोग टॉस जीत चुके हैं और हम लोग बॉलिंग लेने वाले हैं कि बॉलिंग अच्छा होता है, लाइक मेरे लिए तो अच्छा ही है बॉलिंग। सो या सो गाइज यहाँ पर उनका पहला बॉल तो डल चुका है, उन लोगों ने 2 रन लिए और अभी देखते हैं क्या होता है। आई होप सो आउट। ओके मैंने आउट बोला था बट आउट नहीं गया, 4 गया, बट फिर भी होप्स हैं अब तक। और 10 ओवर का ये मैच रहने वाला है। अभी जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डाल रहे हैं और आई होप सो अभी इस बॉल पे ये आउट हो। और ओ गाइस लेट्स गो गाइस, ये आउट चला गया। जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली विकेट ले ली है और अभी मस्त सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। सो गाइस अभी मोहम्मद शमी आई है बॉलिंग करने के लिए और क्रिस गेल को हम लोग बॉल डाल रहे हैं और उनने 4 रन पहले से स्कोर कर लिए हैं और मोहम्मद शमी को पड़ गया है एक छक्का क्रिस गेल से। क्रिस गेल ने यहाँ पर एक बहुत मस्त छक्का मारा है, अब जरा उसके हाईलाइट देख लो, जैसे कि आप लोग अभी आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। सो गाइज अभी यहाँ पर आ चुके हैं रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने के लिए और बारिश गिर चुकी है गाइज यहाँ पर। लाइक इतना अच्छा मैच चल रहा था और वहाँ पर ही बारिश गिर रही है, बॉलिंग नहीं। ओके बारिश गिर रही है और क्या होगा अभी, क्या ये आउट होंगे, क्या ये छक्का मारेंगे कि ओ वेट। ओके सो यहाँ पर आराम से उन लोगों को 2 रन मिल जाएंगे वेस्ट इंडीज़ के साइड को और आई थिंक सो अंपायर एक्शन लेने वाले हैं अभी। तो गाइस यहाँ पर बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और एल साइमंस लाइक बैटिंग करने के लिए आए हैं और वो क्या करेंगे, सिर्फ 1 रन उन लोगों ने चुरा लिया है। ओके प्लीज़ भाई अंपायर एक्शन ले लो और आई थिंक सो डकविन लुइस के रूल के अनुसार बारिश से बहुत सारे ओवर्स नहीं, बहुत सारे नहीं, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक थोड़े से ओवर्स तो कम होंगे, आई थिंक सो 2 ओवर्स। सो गाइज अभी फाइनली यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो अंपायर एक्शन ले रहे हैं और अभी क्या होने वाला है तो देखते जल्दी से। सो गाइस हार्दिक पांड्या फाइनली बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं और 3 ओवर कम हो चुके हैं, सिर्फ 7 ओवर की मैच रह गई है और अभी थोड़ी सी फील्डिंग यहाँ वहाँ कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी फील्डिंग, जैसे कि अपने बैट्समैन और जिस साइड से बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो उस तरीके से हम लोग फील्डिंग को चेंज कर लेते हैं। और वेस्ट इंडीज़ के इनिंग्स का अभी ये लास्ट बॉल रहने वाला है और क्या होगा, क्या यहाँ पर ओके 4 तो नहीं जाएगा, पीछे फील्डर हैं और आई थिंक सो ये है एक सिंगल और इसी के साथ ही वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और फाइनल स्कोर है उनका 77 for 1 और हमें टारगेट अभी 78 रन का, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या उसे हासिल कर सकते हैं, क्या हम लोग उस टारगेट को पार कर सकते हैं, तभी देखते हैं। बॉलिंग के लिए है आंद्रे रसेल और उनकी बैटिंग नहीं आई थी अनफॉर्चुनेटली, बट ये हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि आपको पता है आंद्रे रसेल कैसे मारते हैं, आपने आईपीएल और उसमें तो देखा ही होगा। तो अभी बैटिंग के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा और अभी देखते हैं कि केएल राहुल अच्छे से बैटिंग कर सकते हैं, क्या ये 6 मारेंगे, 6 4 ओके और वहाँ पर गैप है और इसी के साथ ही केएल राहुल ने अपने इनिंग्स का मतलब इंडिया की इनिंग्स का पहला 4 मार लिया है। और गाइज ये मैं इनिंग्स हार्ड मोड में खेल रहा हूँ, मतलब ये मैच में हार्ड मोड में खेल रहा हूँ, तो आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि कैसे 4 और 6 जाने वाले हैं, एकदम हार्डली मुझे मिलेंगे 4 और 6 जाने के लिए और अभी देखते हैं क्या होता है। अभी रोहित शर्मा है बैटिंग के लिए और क्या होगा ये, व्हाट विकेट, अच्छी फील्डिंग वहां पर और रोहित शर्मा की विकेट ले ली है। अभी जैसे आप लोग देख सकते हो क्रिस गेल ने उस कैच को पकड़ा था, एकदम मस्त कैच क्रिस गेल ने वहां पर पकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है जैसे कि आपको पता है 40 ईयर्स के, बट तभी भी इतनी अच्छी डाइव मार के उन लोगों ने फील्डिंग की है, मस्त नज़ारा भाई यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर अभी विराट कोहली आए हैं बैटिंग करने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और 14 for 1 इंडिया का स्कोर है अभी तक, तो देखते क्या करते हैं। पर केएल राहुल है बैटिंग के लिए और उनने मार दिया है आई थिंक सो चौका, यस गाइज केएल राहुल ने मार दिया है चौका इसी के साथ ही और अच्छी बैटिंग कर रही है अब तक इंडिया
वेस्ट इंडीज के सामने, और जिसके आप लोग देख सकते हो टॉप राइट साइड पर एक बैट का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, वहां पर कैसे बॉल हिट हो रही है, एकदम कोने में हिट हुई थी लाइक बॉटम में। सो गाइस यहां पर खेल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट देखते अभी क्या होता है, कभी भी विकेट जा सकते हैं क्योंकि ये हार्ड मोड है। और यहाँ पर ओ माय गुडनेस गाइस, ये सिक्स है क्या? यस गाइस ये सिक्स है, फाइनली गाइस एक अच्छा सिक्स आ चुका है। आई थिंक सो ये हमारे पारी का लाइक इंडिया के पारी का ये पहला छक्का है, और मस्त मारा है हम लोगों ने इस छक्के को, केएल राहुल ने इस छक्के को मारा है, जिसकी आप लोग देख सकते हो 93 meters का ये छक्का था भाई, लाइक कितना अच्छा मारा है भाई केएल राहुल ने इस छक्के को, मस्त। आर रामपाल अभी ये बॉलिंग कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे जिससे कि आप लोग देख सकते हो, बट उन्हें ही एक विकेट ली है, बट उन्हें 16 रन आ चुके हैं अभी। और ओ मिस हो गया गाइस हम लोगों से ये बॉल, और अभी देखते हैं केएल राहुल वापस एक बार बैटिंग के लिए आए, और वापस एक बार से मिस। ड्वेन ब्रावो अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं जैसे वो करते हैं हमेशा, या अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, केएल राहुल क्या ये छक्का या फिर चौका मार सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था आई थिंक ये सिक्स है, और गाइस ये सिक्स है, ड्वेन ब्रावो को लग चुका है सिक्स, और आई होप सो इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है अभी, लाइक छक्का तो उन लोगों ने मारा है, और भी ज़्यादा छक्के आए हैं, और हम लोग एकदम मस्त तरीके से इस मैच को जीत जाए लास्ट में, लाइक लास्ट में नहीं अभी जीत जाए, जितना स्ट्रेस कम है उतना भाई कम कर दो। ओके ओ वेट, और नहीं यार मुझे ये बॉल खेलने नहीं आती भाई, शॉर्ट बॉल मुझे खेलने नहीं आती यार इतनी अच्छे से, मुझे ये सीखना पड़ेगा। केएल राहुल वापस एक बार भाई, विराट कोहली को जो चांस ही नहीं मिल रहा है। ओके क्या हो रहा है, आई डोंट नो, पर यहाँ पर चौका लग गया है, नहीं चौका नहीं ये एक सिंगल है। यस गाइस हम लोग लाइक एकदम ये नहीं करते, दो डबल नहीं लेते क्योंकि जैसे आपको पता है आउट भी हो सकते हैं हम लोग हार्ड मोड। और गाइस यहाँ पर आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हो, 34 रन्स मारे केएल राहुल ने, मतलब इतने अच्छे बैटिंग कर रहे हैं केएल राहुल अभी तक। सो यहाँ पर जिसके आप लोग देख सकते हो केएल राहुल वापस एक बार, विराट कोहली को चांस ही नहीं मिल रहा है भाई, मुझे विराट कोहली को देना है बट पता नहीं कैसे केएल राहुल को ही आ रहा है। पर गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वापस एक बार उन्होंने छक्का मारा है, यस विराट कोहली लाइक उन्हें मिल नहीं रहा, बट केएल राहुल को जब भी मिल रहा है ना तभी वो मस्त तरीके से छक्के चौके मार रहे हैं, कभी कभी या थोड़ा सा मिस भी हो रहा है। एज ऑलवेज मैंने आपको बताया कि ये हम लोग हार्ड मोड में खेल रहे हैं अभी। सो और ये 92 meters का छक्का था, वाओ भाई वाओ, केएल राहुल ने मस्त छक्का ये मारा है 92 meters का, पहला उन लोगों ने मारा उनने मारा था तभी वो 93 meters का था, और अभी 92, लाइक दोनों भी थोड़ा सा ही सेम है। और वापस एक बार ये बॉल, ओ यार मुझे इस बॉल को खेलना नहीं आता, और ये होगा एक बाउंसर जिसकी की मुझे पता ही था बाउंसर और थोड़े से शॉर्ट बॉल मुझे खेलने नहीं आते। यस तो अभी क्या करते हैं, ड्वेन ब्रावो आउट ना हो जाएगा इस हम लोग, बस मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ। और ये सिक्स है, ये सिक्स है, ये ओ माय गॉड गाइस केएल राहुल यहाँ पर आउट हो चुके हैं, जस्ट वो हाफ सेंचुरी करने वाले थे, 46 रन्स पे केएल राहुल यहाँ पर आउट हो चुके हैं। और 21 बॉल में एक अच्छी पारी, जैसे आप लोग देख सकते हो स्ट्राइक रेट 219 का स्ट्राइक रेट उनने रख के खेला था भाई साहब। और यहाँ पर आंद्रे रसल वापस एक बार बॉलिंग में, और कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और क्या ये LBW है, यस ये LBW है, क्या हम लोग डिसीजन चैलेंज करें, आई थिंक सो चैलेंज करते हैं क्योंकि पता नहीं, ये वैसे तो यॉर्कर था और मुझे पता है आई थिंक सो आउट तो होगा, बट जाने दो देखते हैं, पता चला कि नॉट आउट भी हो, किसको बता। और यहाँ पर परफेक्ट डिलीवरी उनसे, और ये आई थिंक सो वेट आउट है कि नहीं, अरे यार ये आउट होगा आई थिंक सो, यस ये आउट है गाइस ये आउट है। ओ यार थोड़े से हम लोग रह गए गाइस वहाँ पर, बट इट्स ओके विराट कोहली यहाँ पर आउट हो चुके हैं, पर
उन्हें बैटिंग ही नहीं मिल रही थी। और जैसे आपको बताएं, विराट कोहली का फॉर्म नहीं रहा इस मैच में। और गाइस, सूर्य कुमार यादव अभी आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए और रामपाल बॉलिंग कर रहे हैं। और क्या करते हैं सूर्य कुमार यादव, आई थिंक सो ये एक सिक्स है। यस गाइस, ये हम लोगों ने वापस एक बार मार दिया है सिक्स। और जिसके आप लोग देख सकते हो बैट के ऊपर जस्ट लाइक मिडल में लगा था वो बॉल, और अच्छे से बॉटम मिडल में ये बॉल लगा था और अच्छे से हम लोगों ने इस सिक्स को मार दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आप इसका ज़रा ये देखो, ओ भाई 92 मीटर्स का ये भी छक्का, वाओ। अच्छा, ये छक्का मारा है सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के सामने। और भाई क्या होने वाला है यहाँ पर, ये वापस एक बार छक्का, ओनली कैच ड्रॉप गाइस भाई। और हम लोग 3 रन भागेंगे, जैसे कि आपको पता है, मतलब अभी आप लोग देख पा रहे हो हम लोग 3 रन भागे हैं यहाँ पर। और आर रामपाल बहुत गंदे तरीके से यहाँ पर बॉलिंग करते हुए, और बीच में ये कैच भी हो सकता था और हम लोग यहाँ पर लाइक थोड़ा सा हार्ड हो जाता था हमारे लिए ये गेम। और अभी देखते हैं, आई होप सो मैं इसी बॉल में इस गेम को ख़त्म कर दूँ वेस्ट इंडीज़ के सामने। और ये हार्ड मोड है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर विकेट भी गिर सकती है हार्दिक पांड्या की, बट आई होप सो मैं कुछ तो कर दूँ यहाँ पर। और ओके, वहाँ पर बॉल लगा, बट इट्स ओके गाइस। और अभी इंडिया को चाहिए यहाँ पर 2 रन फ्रॉम 3 बॉल्स। क्या इंडिया यहाँ पर मैच को ख़त्म कर पाएगी? और इन लोगों ने यहाँ पर मैच को ख़त्म कर दिया है, हार्दिक पांड्या ने एक फिनिशिंग टच देकर इस मैच को ख़त्म कर दिया है फाइनली। और हम लोग जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने। बट एनीवेज गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको ऐसे ही मेरे हार्डकोर वर्ल्ड स्टंबल गाइस और रियल क्रिकेट 22 के ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।